नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। दोस्तों आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मार्केट में एक नई वॉच आई थी अभी बोट स्टॉर्म, जिसने धूम मचा रखी है। सेल में यार 30-30 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, वो 10-10 हजार पीस एक बार में बिक रहे हैं उसके, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। ऑलरेडी बहुत पॉपुलर वॉच है, इस साल की बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच रियलमी क्लासिक, उसका साथ में होगी एक्यूफिट W15 जिसने भी काफी धूम मचाई थी मार्केट में। तो तीनों ही बहुत अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉचेस हैं, एक मेड इन इंडिया के अंडर आती है जो एक्यूफिट W15 है, बोट स्टॉर्म ब्रांड इंडियन है, वॉच चाइना से आ रही है, और उसी तरह से जो हमारी तीसरी वॉच है रियलमी क्लासिक, दैट इज प्योर चाइनीज ब्रांड। तो आइए देखते हैं कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखना दोस्तों, सारे फीचर्स एंड अदर थिंग्स अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करके अपना प्यार मुझे जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं कंपैरिजन से। प्राइस रेंज की बात करते हैं तो बोट स्टॉर्म है 1999, रियलमी क्लासिक 3999 और एक्यूफिट W15 3699। तो सेल में रियलमी क्लासिक का प्राइस जो है 2999 चला गया था, तो उम्मीद है अगली सेल में भी चला जाएगा। W15 का प्राइस वहीं पे 3499 रहा था। कलर्स की बात करते हैं तो रियलमी को छोड़ के बाकी दोनों वॉचेज मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल हैं। कंपैटिबिलिटी में जो दिक्कत आई है रियलमी में है, सिर्फ वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है, iOS को नहीं करती। स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं, सबसे बड़ा स्क्रीन साइज़ रियलमी क्लासिक का ही है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले भी सबसे अच्छा रिजोल्यूशन रियलमी का है, 320x320 पिक्सल के साथ IPS LCD लगी है। वहीं पे W15 और बोट स्टॉर्म का रिजोल्यूशन 240x240 पिक्सल है। स्किन प्रोटेक्शन में रियलमी दे रहा है गोरिल्ला ग्लास 3 और W15 दे रहा है 9H हार्डनेस वाला ग्लास। बॉडी टाइप में मेटल बॉडी है आपको बोट स्टॉर्म में और जिंक मैग्नीशियम एलॉय बॉडी है W15 में, जो दोनों ही मजबूत है। डायल शेप 2 की है, रेक्टेंगुलर और W15 है सर्कुलर। स्ट्रैप की बात करते हैं तो TPU जो थोड़ा हार्ड होता है वो है बोट स्टॉर्म में, सिलिकॉन लाइट स्ट्रैप मिल रहा है आपको W15 में। वेट की बात करते हैं तो बोट और W15 ने स्पेसिफाई नहीं किया, आई थिंक ये दोनों मेटल बॉडी हैं तो हार्ड हैवी होने वाली हैं। 31 ग्राम्स है रियलमी क्लासिक का क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है। नोटिफिकेशंस में तीनों ही वॉचेस में आपको इनकमिंग कॉल SMS व्हाट्सएप फेसबुक अदर एप्लीकेशंस के देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल्स में रियलमी और W15 आपको कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल दोनों लगा के दे रहे हैं, वहीं सिर्फ म्यूजिक कंट्रोल आपको बोट स्टोर में मिलता है। मेक और आंसर कॉल की फैसिलिटी तीनों में नहीं है, आप सिर्फ कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन में लेटेस्ट 5.0 मिल रहा है रियलमी क्लासिक में और बोट और AQFit में 4.2 मिल रहा है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं, सबसे बड़ी बैटरी W15 में है 220 mAh, फिर है बोट में 210 और उससे कम है रियलमी में 160 mAh, लेकिन रियलमी फिर भी 9 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम कर रहा है और बाकी दोनों वॉचेस 8 से 10 दिन का क्लेम करती हैं। बिल्ट इन GPS तीनों में नहीं है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में 5 ATM प्लस 5 IP68 का ड्यूअल प्रोटेक्शन आपको W15 में देखने को मिलता है, रियलमी क्लासिक सिर्फ IP68 और स्टॉर्म में आपको 5 ATM। मल्टीपल वॉच फेसेस 100+ कह रहे हैं आफ्टर OTA अपडेट आएगा बोट स्टॉर्म, अभी तक लोग इसको खोज रहे हैं, 1 महीना हो गया वॉच खरीदे हो, पता नहीं कब देती है कंपनी। रियलमी क्लासिक में भी अवेलेबल है और AQ15 में सबसे कम है। BPO और SPO2 की बात करते तो बोट स्टॉर्म में आपको दोनों देखने को मिलते हैं, रियलमी क्लासिक में सिर्फ SPO2 और W15 में सिर्फ SPO2 मिलेगा। अदर अट्रैक्टिव फीचर्स में आपको मेंसोर साइकिल ट्रैकर और ब्रीद मोड मिल रहा है स्टॉर्म में, सिर्फ ब्रीद मोड मिलता है क्लासिक में और ब्रीद मोड प्लस स्ट्रेस मॉनिटर आपको W15 में मिलता है। फिटनेस मोड की बात करते हैं तो W15 में आपको 15 देखने को मिलते हैं और रियलमी क्लासिक में 14। अब बताते हैं आपको कि कौन सी वॉच किस चीज़ में आगे है। स्टॉर्म और रियलमी की बात करते हैं तो ₹2000 स्टॉर्म सस्ती है, iOS को सपोर्ट करती है, स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है, बड़ी बैटरी और बड़ा बैकअप आइडियल है स्विमर्स के लिए और ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। रियलमी में आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है बेटर रिजोल्यूशन के साथ, गोरिल्ला ग्लास 3 है, कैमरा कंट्रोल है, ब्लूटूथ 5.0 और ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड। अब इसका हम W15 के साथ बताते हैं तो बोट स्टॉर्म लगभग ₹1700 सस्ती है, 100 से ज़्यादा वॉच फेस हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी है। वहीं W15 में आपको ज़्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं, 9H का स्ट्रॉन्ग ग्लास है, कैमरा कंट्रोल, 5 ATM प्लस IP68 प्रोटेक्शन और ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड। अगर आप Realme Classic से इसका कंपैरिजन करें पहले बोट स्टॉर्म का, तो क्लासिक और इसके प्राइस में अभी ₹2000 का फर्क है, लेकिन सेल टाइम पे Realme जो है ₹1000 और सस्ती हो जाती है 2999 की। तो अगर हम ये माने कि ₹1000 का प्राइस डिफरेंस है तो Realme बहुत अच्छी डील दे रहा है। लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ है तो कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पे कम इशू देखने को मिलेगा, उसके अलावा कैमरा कंट्रोल है, गोरिल्ला ग्लास की स्क्रीन है, प्लस बढ़िया डिस्प्ले है रिजोल्यूशन के साथ अच्छे। तो यहाँ पे आप ₹1000 भरते हैं फालतू, तो आपको काफी सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं बोट स्टॉर्म की, तो वो ₹1000 आपका बजट कम है तो आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको निराशा नहीं होगी। आपको इतने सारे वॉच फेसेस मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल रहा है, मजबूत स्ट्रॉन्ग एलॉय बॉडी आपको देखने को मिल रही है और 5 ATM की रेटिंग है आइडियल फॉर स्विमर्स।
तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी डील देखने को मिल रही है। तो मैं इसमें कहूंगा आपका पैसा है तो आप रियलमी पे जा सकते हैं, अगर बजट कम है तो बोट स्टॉर्म ले लीजिए। लेकिन अब हम इसका W15 के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो W15 जो है लगभग 1700 रुपए महंगी है, लेकिन वो ज्यादा कलर्स में अवेलेबल है तो आपके पास काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। उसके अलावा 9S हार्डनेस का ग्लास लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग ग्लास आपको देखने मिलता है। 5 ATM प्लस IP68 दोनों प्रोटेक्शन है तो स्विम प्रूफ, स्वेट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, ये सारी चीजों में काम करेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो 1700 रुपए अगर आप भरते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आपको ट्रस्टेड ब्रांड है। और एक और आपको बात बताता हूँ, जो बीपी मॉनिटर है पहले AQ15 के शुरू के मॉडल्स में आता था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रिवन था तो कंपनी ने उसको खुद ही डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही। तो जो अगले लॉट आए वॉचेस के उसमें बीपी मॉनिटर हट गया था। तो सेम में ये कहना चाहता हूँ, जो बीपी मेजर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको आर्म पे बैंडेज बांधते हैं, उससे यहाँ पे इन्फ्लेट होता है वो, तो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद ही आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो जो वॉचेस सेंसर्स के थ्रू ब्लड प्रेशर नाप रही है तो उसमें काफी क्वेश्चन है एक्यूरेसी के ऊपर। तो अगेन बारी आती है बजट की, आप पैसे बचाना चाहते हैं तो बोट स्टॉर्म पे जा सकते हैं, आपको निराशा वहां भी नहीं होगी। आपको वॉच फेसेस वहाँ काफी सारे देखने को मिलेंगे जो कि W15 में मिसिंग है। और अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप W15 की तरफ भी जरूर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानने में मदद मिली होगी कि कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बजट है तो कौन सी लेनी है, बजट नहीं है तो कौन सी, फीचर्स आपको कौन से देखने को अच्छे लग रहे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट वॉच कौन सी है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।